पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ती के लिए कितना भी हाथ बढ़ाए, लेकिन भारत अपनी रिवायती हठधर्मी और दुश्मनी दिखाने से कभी बाज नहीं आता। PSL 4 के लिए जहां एक तरफ पाकिस्तानियों और क्रिकेट शायकीन में जुनून पाया जाता है, वहीं दूसरी जानब भारत ने PSL 4 को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशों का आगाज कर दिया है। और यही नहीं बल्कि PSL 4 को मतनाज़ा बनाने और मैच फिक्सिंग के इल्जाम आयद करने के लिए 23 बड़े भारतीय बुक मेकर्स और इनके हमरा जुए का कारोबार करने वाले 8 बड़े पाकिस्तानी बुक मेकर्स दुबई पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि PSL 4 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बदनाम करने के लिए भी भारत ने मनसूबाबंदी कर ली है। मुसद्दका ज़राए ने बताया है कि बुकमेकर माफिया ने दुबई के अंदर 4 मुख्तलिफ होटल्स में न सिर्फ रिहाइश इख्तियार कर रखी है बल्कि इनके साथ 6 मुख्तलिफ भारतीय चैनल्स के रिपोर्टर्स और 2 गैर मुल्की मीडिया हाउसेज के सहाफी भी मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक रमेश लाल, कादिर भाई बम्बई वाले, अनु कुमार, राजेश राजन चंडीगढ़ वाला भारतीय बुक मेकर्स को लीड कर रहे हैं, जबकि कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान से बड़े बुक मेकर्स भी वहां पहुंच चुके हैं, जो भारतीय बुक मेकर्स के कहने पर काम कर रहे हैं और इन्हीं की टीम का हिस्सा भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बावसुख ज़राए का कहना है कि इन पाकिस्तानी बुक मेकर्स और दुबई में भारतीय बुक मेकर्स के एजेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो किसी न किसी तरीके से लीग में शामिल कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की तस्वीर इंडियन बुक मेकर्स के साथ बनवाएंगे और फिर इन तस्वीर को बैन अल-अक़वामी मीडिया में शाया करवा कर ये तासुर दिया जाएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग में बुक मेकर्स मुलव्वस हैं, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय और पाकिस्तानी बुक मेकर्स के कंट्रोल में हैं। इस समन में दुबई में होने वाले ऐसी तकरीबात जो खालिस्तान खिलाड़ियों के लिए हैं, इन तकरीबात के दावतनामे भी इस माफिया ने हासिल कर रखे हैं। जिन होटल्स में PSL के खिलाड़ी रिहाइश पजीर हैं, वहां इनके न सिर्फ कमरे बुक हैं बल्कि इस हवाले से इन होटल्स के अमले की खिदमत भी हासिल की जा रही हैं, ताकि किसी तरीके से ऐसी तस्वीर या वीडियोस खिलाड़ियों के साथ बन जाएं, जिसको ये पाकिस्तान सुपर लीग को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी बाकायदा तौर पर मुतहर्रिक है, क्योंकि इनका मकसद हर सूरत में पाकिस्तान सुपर लीग को मतनाज़ा बनाना है। इसकी एक और वजह यह भी है कि भारत के अंदर होने वाले IPL की कामयाबी इसी चीज़ से मशरूत की जा रही है।